थोड़ा सा वेट किया गया कि बेल आएगा। अच्छा आपने से एक वॉलेंटियर चाहिए मेरे को, एनी वन पर्सन, कोई भी एक वॉलेंटियर आपने से कोई सामने आ सकता है, एनी वन पर्सन। ठीक है, आपको बोला गया था या आप खुद से आए? खुद से। खुद से आए, ताली बजाए, अच्छे से बजाइए। क्या नाम है आपका? रोमल शर्मा। तो रोमल शर्मा यहां पे आते हैं। रोमल शर्मा कम्स इन दिस 10% इन लाइफ। समाज में 10% लोग जो है वो समाज को लीड करते हैं, वो लीडर्स हैं। 80% जो है उनके पीछे पीछे चलते हैं। जो ये 10% लोग करते हैं, ये 80% के 80% वही करते हैं। और ये 10% जो बेचारे हैं, इनको खींच के लाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो 10% क्या है, वो आगे चलते हैं, बाकी 80% उनके पीछे पीछे जहां वो जाते हैं ये वही जाते हैं। उनके पास अपनी इनिशिएटिव नहीं है कि हमारे लिए कौन सी दिशा ठीक है। हमने उनकी जान तो नहीं मांग ली थी? आप में से भी तो कोई एक हो सकता था। यस नो? यस। तो एक युवा की क्या पहचान होनी चाहिए? अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए। अगर एक युवा बात करेगा ऐसा होगा ही, बोलिए ऐसा होगा ही, ऐसा बात नहीं करेगा होगा कि नहीं होगा, देखेंगे सोचेंगे क्या होगा, वो एक युवा की पहचान नहीं हो सकती है। यस नो? यस। अपने देश का पहला ओलंपिक गोल्ड किसको मिला था? इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन पाया? अभिनव बिंद्रा, चंडीगढ़ से, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। उनका ईमेल आईडी क्या है? उनका ईमेल आईडी है गो फॉर गोल्ड। सब बोलो गो फॉर गोल्ड। गो गो हाथ तो उठाओ, गो फॉर गोल्ड। हाथों को क्या हुआ? बोलो गो फॉर गोल्ड। तो अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक्स में कण कण से, रोम रोम से सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल लेने गए थे, ब्राउन और सिल्वर नहीं। यू गेट दिस? सो एक युवा की चेतना ऐसी होनी चाहिए, जब वो तय कर लेता है तो वो लक्ष्य को पाके ही रहता है हर कीमत पे। यू अंडरस्टैंड? होगा नहीं होगा ये युवा की भाषा नहीं हो सकती है। यस? यस। दूसरा, युवा की क्या पहचान होनी चाहिए? देयर शुड बी सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन। आज जो भी देश एक महाशक्ति है, सुपर पावर है, चाहे अमेरिका है या जर्मनी है, जापान है, इवन सिंगापुर विच इज द मोस्ट डेवलप्ड, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम,
जो एशिया में आज किसी सोसाइटी की है वो सिंगापुर में है, वहां पे भी देयर इज कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। उससे क्या होता है, वहां की युवा डिसिप्लिन में आता है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, देयर इज नो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत है? हाँ इधर सुनो, क्योंकि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस नहीं है, डिसिप्लिन हमारे ऊपर कोई तरीके का उस तरीके का शासन नहीं है, तो हमको अनुशासन में आना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन। यस, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अगर मैं आपके ऊपर थोपता हूं तो वो डिसिप्लिन हो गया, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। तो युवा के पास कम से कम एक या अधिक से अधिक दो ऐसे नियम होने चाहिए विच आर सैक्रोसेंट, विच आर नॉट ओपन टू निगोसिएशन, जिसके ऊपर हम चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। डर तो नहीं रहा? तो मैं अपने जीवन में जो मैंने नियम बनाया है अपने लिए वो आपसे साझा कर सकता हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी एग्जैक्टली वैसा करना है। तो कोई नियम होना चाहिए, वो कौन तय करेगा? करेक्ट पर्सन। तो मेरा क्या नियम है, कुछ भी हो जाए मैं रात को 10-11 बड़े 10-11:30 भी हो जाता है कभी, अपना फोन को वो फ्लाइट मोड में डाल देता हूं, और जब तक सुबह उठ के नहा धो के अपना ध्यान साधना योगा फिनिश नहीं हो जाता तब तक उसको फ्लाइट मोड से नहीं निकालता। सब दाएं हाथ उठाए अपना, चाहे दुनिया बोलो, चाहे दुनिया इधर की इधर की उधर हो जाए उधर हो जाए। अभी हमने एक और चीज भी किया है, हम अपने फोन को हमेशा उसमें ही रखते हैं, साइलेंट मोड में, यानी वाइब्रेशन मोड में ही रहता हमेशा, ऑल द टाइम इट इज ओनली इन वाइब्रेशन मोड। नहीं तो हम उसके गुलाम हो जाते। अब आपको क्या करना है, वो मुझे तय नहीं करना है, वो आपको तय करना है। देखिए जब हम कोई पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो सृष्टि भी हमारा साथ देती है। मेरे को फरीदाबाद में एक बिजनेसमैन मिले, उनके कई पेट्रोल पंप है, बिजनेस में अक्सर झूठ बोलना पड़ता है लोगों को, तो मुझे क्या, मैंने ऐसी कुछ और विषय पे चर्चा हो रही थी, जैसे अभी आपके सर लोग के साथ कुछ हल्की फुल्की चर्चा हो रही थी आप लोग से मिलने से पहले, तो उन्होंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोलता, जिसको मुझे झूठ बोलना पड़ेगा ना उसका मुझे फोन तक नहीं आता। तो सृष्टि भी आपका साथ देगी जब हमारे संकल्प में शक्ति होगी। आज हम अपने बारे में सोच सोच के डिप्रेशन में है, कोई देश और समाज के भविष्य के बारे में सोच के डिप्रेशन नहीं हो रहा हमको। जब हम 15-20 साल के थे हमने ये डिप्रेशन शब्द नहीं सुना था, आज तो इट इज ऑलमोस्ट घर घर की हो गई बात। क्यों हो गया? अपने बारे में सोच सोच के, हाय मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो सुबह से किसी ने फोन तक नहीं किया, मेरी तो इस कॉलेज में या इस घर में इज्जत ही कोई नहीं है। आज तो मेरा किसी ने फेसबुक तक लाइक नहीं किया, हाय मैं बेचारा या हाय मैं बेचारी। यू नो आई कैन वाउच फॉर इट
मैं आपको लिख के पूरे आश्वासन दे सकता हूं. सेल्फ पिटी इज करोसिव. आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, करोजन समझते हैं ना. सेल्फ पिटी इज करोसिव. लिख दूं क्या यार, आत्म करुणा जो है जंग है, खा जाती आत्मा को. किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है. समझ रहे हैं? अगर आप देश और समाज के लिए सोचेंगे, आत्म करुणा में नहीं रहेंगे, आप ऐसा विशाल दृष्टिकोण रखेंगे, डिप्रेशन आपके आस पास भी फटक नहीं सकता है. आई कैन गारंटी यू, मैं तो दावे से कहता हूं, मेरा काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं क्या? सृष्टि मेरा साथ नहीं देगी तो किसका साथ देगी? ये मैं नहीं बोलता हूं यहां आके आपके सामने, सृष्टि हमसे बुलवाती है. तो हमारा युवक किसी करुणा का पात्र नहीं हो सकता है. हम वीरों की विरासत है, अपंगों की विरासत नहीं है. आज हमारे देश में हमको अपनी देशभक्ति करने की भी हमको आइडिया नहीं है. हर कोई जो अभिनंदन जी ने किया वो देशभक्ति की पराकाष्ठा है, पर हर कोई अभिनंदन तो नहीं बन पा रहा है. जो सोचता है अगर अच्छा वो उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अच्छा झंडा उठा लो, बंदे मात्र बोले बोलना चाहिए, झंडा भी उठाना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं. पर हम अपना दायित्व क्या करना चाहिए? खाली फेसबुक पे लाइक कर देने से देशभक्ति का कोई मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से देशभक्ति का काम हो गया क्या? भाई हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने समाज की, ये हमारा परम धर्म है. मैं आध्यात्मिक प्रवेश से आता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग से हूं, श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य हूं. मैं आपको दावे से कहता हूं, सिर्फ कर्म कांड ही हमारा धर्म नहीं है. आपने तिलक लगा लिया, भगवान के सामने आरती घुमा लिया, हम नहीं बोल रहे नहीं करना, वो भी करे, पर हमारा परम धर्म है इस समाज के प्रति दायित्व. हमारे गुरुदेव ने यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया था, संयुक्त राष्ट्र को. वहां पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, दोज हू प्रे डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो पाठ पूजा में लगे हैं वो समाज का दायित्व नहीं लेना चाहते. एंड दोज हू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट प्रे. कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूं, मैं सब चीजों में नहीं जाता, मुझे परवाह नहीं है, पढ़ी नहीं है, या मुझे रुचि नहीं है. तो क्या कहा? Those who pray do not take responsibility and those who take responsibility do not pray. उसके बाद गुरुदेव ने कहा, I pray as well as take responsibility. So it is scientific temper to accept things, to explore things. किसी चीज को बिना जाने बूझे नकार देना वो कोई एक युवक की पहचान नहीं है. हम फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात करते हैं, उनके मन में एक जज्बा होता है, भावना होती है, वो सोचते हैं हम कुछ कर सकते हैं और कुछ होगा. सेकेंड और थर्ड ईयर में आते आते उनको लगता है होने जाने वाला. I did not complete the sentence. You helped me complete it. So, हमको हम सोचते हैं कि हमको जिम्मेदारी लेने के लिए सोचते हैं, तो सोचते हैं कि अरे जो भी मेरे जीवन में घटा उसके लिए कोई और जिम्मेदार है. मेरे पेरेंट्स की गलती थी, मेरे गांव की गलती है, परिवार की, भाई बहन की, दोस्तों की, सरकार की, टीचरों की, प्रिंसिपल की, सबकी गलती है, पर मेरी गलती नहीं. We are waiting for a perfect day to give our 100% to give our best in life. सुबह उठते तो सोचते आज तो मैं लेट उठा था, ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं मिले थे, या आज फ्रेंड से झगड़ा हो गया था,
we give ourselves so many reasons why today is not the perfect day of our life. Yes, no? Yes. जिस दिन आप अपना शत प्रतिशत देने लग जाएंगे वो दिन आपके जीवन का परफेक्ट दिन बन जाएगा. किसी दिन आसमान पे वो लिखा नहीं होता परफेक्ट डे. देखा मैंने तो नहीं देखा. तो हमको किसी गोल्डन मोमेंट का इंतजार नहीं करना अपना बेस्ट देने के लिए. तो आज हम अपने देश समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आज हमको दायित्व उठाना पड़ेगा. सबसे पहले अपना खुद का. नंबर टू हमारे आसपास वातावरण का. क्योंकि अपने बारे में सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन गारंटीड है. I can absolutely मैं इतने विश्वास से कह सकता हूं कि ये सिर्फ आप पे नहीं हम सब पे सर पे मुझ पे इन पे सब पे लागू है. मैं भी अपने बारे में सोचने लग जाऊं अरे 3 साल पहले तो हमारे गुरुदेव ने मेरे को बैंकॉक में भेजा हुआ था सिंगापुर वहां घूमा करता था आजकल घूमता हूं केरल और करनाल और इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ By the end of the day, I can guarantee you, Samir Jolly will also be in depression. It's a blanket rule. कुछ नहीं करना, इतना ही करना. फिर भी नहीं depression आता हो तो एक दो और सुझाव है मेरे पास आपके लिए. सिर्फ bad food खा. और फिर भी नहीं होता हो तो सिर्फ TV और internet पे रहो, Facebook पे especially. सोचोगे तो फोटो देखिए यार ये तो एंजॉय कर रहा मैं इधर बेवकूफ वो कितना दुखी है मुझे बता रहा हूँ खाली फोटो खींचे भेज रहा. तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. आज हमारे बीच में कितना ड्रग्स फैल रहा है. यस नो? यस. हम बोलते हैं क्या किसी को मत करो ये गलत है. अगर आप नहीं बोलते आप भी उसी पाप के भागीदार हैं. इसी राज्य हरियाणा में इधर से ज्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र जहां पे मृत्यु दंड मिला था भीष्म पितामह को. उन्होंने किसी का वस्त्र हरण नहीं किया था और वो खाली बैठ के तमाशा देखते रहे. हम अगर गलत को रोकते नहीं तो हम उसमें भागीदार हैं. आपके आजू बाजू आपका दोस्त किसी नशे में जा रहा है आप उसको नहीं रोकते हैं आप भागीदार हैं उस पाप के. आपको भी उसका दंड जरूर मिले. अभी हमको हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है कोई मिला बोले हम 5 दोस्त थे 3 तो मर चुके 5 में से 3 मर चुके. एक बोले वो बहुत दयनीय स्थिति में मैं ही बचा. और ये जो ड्रग्स खरीदते हैं उसका पैसा कहां जाता है? ये सब ड्रग सप्लाई किसके हाथ में है? सब आतंकवादियों के हाथ में है. अगर आप ड्रग खरीद रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं. मैं कहता हूं आज अगर देशभक्ति है तो नशा मुक्ति ही देशभक्ति है. सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा. इट इज द अनकंफर्टेबल बिटर ट्रूथ बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. व्हाट इज रॉन्ग प्लीज कम. तो 24 तारीख को हमारी संस्था एक
बहुत बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है जिसका नाम है दे विल बी अ मैराथन अगेंस्ट ड्रग्स एंड टेररिज्म. देखिए जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो उन्होंने तो लोगों ने सोचा वो थोड़ा नमक बनाने जा रहे हैं, पर किसी को मालूम नहीं था वो मुट्ठी भर नमक बनाएंगे और किस चीज की शुरुआत हो. तो कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसे ही आता है और हम इंतजार नहीं करें कोई दूसरा करेगा सरकार करेगी हम करेंगे तो होगा. देखिए मैं अपने जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ साझा करना चाहूंगा. अभी ये जो भारत में इतना बड़ा आतंकवादी घटना हुई थी उसके पीछे जो आतंकवादी सबसे बड़ा जुड़ा था उसका नाम मसूद अजहर है, आप लोगों को शायद मालूम होगा. तो वो पहले भारत की जेल में ही था और यहां पे हमारी सरकार ने उसको विवशता पूर्वक छोड़ना पड़ा था. क्यों? क्योंकि वो लोग ने एक अपहरण किया था एक हवाई जहाज का. सो कांदहार ले गए थे मालूम है ना. सो 150 या से ज्यादा जो उसमें हवाई यात्री थे उनको छुड़वाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकवादी छोड़े. जिस दिन छोड़े मैं वैसे आपको बैकग्राउंड मैंने अपना नहीं बताया, मैं क्वालिफिकेशन से MBA हूँ, कई मल्टीनेशनल में मैनेजर रह चुका हूँ. उन दिनों मैं दिल्ली में कंपनी में मैनेजर था तो मुझे बहुत दुख लगा. मैंने बोला हमारे देश ने घुटने टेक दिए, हम वीरों की विरासत है कोई अपंगों की विरासत नहीं है. तो ये गुस्से में मैं था. उन्हीं दिनों की बात है कि मैं नेहरू प्लेस से जा रहा था अपनी कार में और मोबाइल पे बात कर रहा था तो मेरे को एक पुलिस वाले ने रोका और बोला कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं आपको चलान लगेगा. तो वो मेरा 1000 रुपए का चलान काटने लगा. तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, हाँ अच्छा आपको कितना चाहिए, मैंने अपनी जेब से 100-200 रुपए दिया और अपनी जान छुड़वाई. जैसे ही मैंने उसको 200 रुपया दिया मेरे दिल में क्या आया मेरे दिल में, मेरे दिल में आया मैं अपनी सरकार को दोष दे सकता हूं क्या, मैं भी तो वही कर रहा हूं. उन्होंने 3 आतंकवादी की रिश्वत दी, मैंने 100-200 रुपए की रिश्वत दी. यस नो, हम सोचते हैं मैं अपनी छोटी सी गलती कर लूं कोई बात नहीं है, पर इनको नहीं करनी चाहिए. तो जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन समाज बदलेगा, उसी दिन ये देश और बदल सकता है. एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मी. सो हमको बदलना है. वी हैव टू बी द चेंज दैट वी वॉन्ट. आपको मालूम है आप मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो उत्तर भारत से है, कुछ लोग नेपाल से भी है. ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर से भी है. जम्मू कश्मीर से भी है, हम नेपाल में भी रहे, कश्मीर में भी रहे, भारत के कई भागों में रहे. तो हमने अपनी स्कूल की शुरुआत नर्सरी KG भी उधमपुर से किया है और जम्मू कश्मीर से, और 12th भी वहां से किया. तो हम आई कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हम क्या बात कर रहे थे, हम बदलेंगे उस दिन ये देश बदलेगा, उस दिन समाज बदलेगा. तो द चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन. आप सब अधिकतर लोग तो हरियाणा और आसपास उत्तर भारत से, यस नो, आपको मालूम है कि उत्तर भारत में सबसे जल्दी वाटर लेवल नीचे जा रहा है पूरी धरती में से, आउट ऑफ द एंटायर प्लैनेट अर्थ उत्तर भारत का पानी का स्तर सबसे नीचे फास्ट नीचे जा रहा है. द
250 से 400 फीट तक जा चुका है। अगर आज आपको लंच नहीं मिले, मैं बोलूं लैपटॉप खा लेना लंच पे। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, मोबाइल फोन के लिए इस पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है तो बहुत इधर स्क्रैच आ जाए कोई बात नहीं है, ये तो कई सारे मिल जाएंगे, ये तो दूसरी नहीं मिलने वाली। पच्चीस तीस साल में इतना नीचे चला गया, 25-30 साल में आप क्या होगा, क्या होगा बोलो, हाँ साफ बोलो ना, समझ नहीं आ रहा मुझको, क्या होगा, क्यों शर्मा रहे हो, बोलो, खत्म हो जाएगा। आपको कैसे विश्वास है खत्म हो जाएगा, आप अपंगे हो क्या, कैसे खत्म होने देंगे, मरने की तैयारी कर रहे हो, ये युवा की पहचान है। हम कुछ करेंगे तो कैसे नहीं बदलेगा, हम पंखा चलेगा तो हवा कैसे नहीं आएगी। हम 25-30 साल पहले ये जीटी रोड से जाते थे तो हम देखते थे अधिकतर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नॉनवेज थे। आज आप जीटी रोड में जाएंगे 90% ऑफ ऑल गुड रेस्टोरेंट्स आर प्योर वेजिटेरियन। यहां पे चिकन विकन मिल रहा है वो छोटे मोटे गंदे से है। ऑल गुड रेस्टोरेंट्स आर प्योर वेजिटेरियन। इसका मतलब क्या है, जितने भी संपन्न जागरूक लोग हैं, वेल ऑफ है, वो सब वेजिटेरियन। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हम बड़ी सड़क से हाईवे से छोटी सड़कों पे आते हैं तो देखते हैं शराब के ठेके मिलते हैं और मीट मच्छी की रेडियां मिलती है। मैं तो अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं, हम जैसे लोग अगर बड़ी सड़कों से छोटी सड़कों में पहले आ गए होते तो शायद वहां पे भी सकारात्मक परिवर्तन आ चुका। When I say all this, I am not keeping myself out of it and saying I am not responsible. I am just as much responsible. तो हमको जिम्मेदारी लेनी है। तो आप सबके साथ एक और बात साझा करना चाहते हैं, though it is not directly connected with you because आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, कॉलेज में या मोस्टली हॉस्टल में पढ़ते होंगे, मुझे लगता है आसपास कहीं किराए पे रहते होंगे, तो बट स्टिल आई विल शेयर सिंस देयर इज नो हार्म। हम लोग का एक प्रोग्राम हो रहा है, YLTP बोलते हैं, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच इज अ 7-day रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सो सिमिलर यू कैन डू यस प्लस हियर, आई विल बी बेटर। या सो वी हैव सम वेरी गुड प्रोग्राम। दक्ष जी इज हियर, दे ऑल नो यू, क्लैप फॉर हिम। ठीक है, सो तो आप खुद इंजीनियरिंग है, दक्ष भाई भी इंजीनियर है भाई के, सो आप खुद कर सकते हैं या आप एटलीस्ट अपने सर्कल में लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज कम से कम 3 गांव में हरियाणा में रोज जा रहा हूं और मैंने देखा हरियाणा में किसी चीज की कमी नहीं है। कोई रात को भूखा सोता है क्या गांव में? क्या बोला जाता है, दूध दही का खाना देशा में देश, दूध दही का खाना देशा में देश, तो कोई कमी नहीं है। सबके ऊपर तन पे कपड़ा भी अच्छा है, सर पे छत भी है, सोने को बिस्तर भी है, अगर कुछ कमी है तो एक अच्छी दिशा की कमी है। और हमारा देश की धरोहर गांव है, अगर हम गांव को नहीं बचा पाए इस देश को बचा नहीं सकते।
तो इसलिए गांव के युवकों के लिए खास तौर पे हम लोग का एक प्रोग्राम है, इट इज कॉल्ड द YLTP यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये कल शाम से हम आरंभ कर रहे हैं कैथल में, और ये 7 से 15 मार्च तक चलेगा। इट्स अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिसकी फीस है, एक्चुअली हम स्पेसिफिकली इसलिए नहीं आए थे, बट नाउ आफ्टर स्पीकिंग विद दक्ष भाई ही सेज आई शुड अनाउंस इट आल्सो हियर, 1000 रुपया आपके रहने खाने पीने के लिए वहां पे खर्चा है, राइट? वो भी किस लिए रखा है? क्योंकि मान लो आप कोई ब्याह शादी में जाते हैं, कोई जूस पीते हैं, थोड़ा सा पीते पसंद नहीं आया, रख देते, दूसरा उठाते हैं, ठीक नहीं, तीसरा उठाते हैं, पर वही जूस जब हम मार्केट में जाके खरीदते हैं तो क्या करते हैं? पैसा दिया है, आखिरी बूंद भी उसको वैल्यू करते, तो ताकि हमारे अंदर कुछ पात्रता ना गए। इट्स अ कोर्स which requires lot of discipline so that you can be in self-discipline in life. 18 से 30 वर्ष की आयु जिसकी है 18